शासकीय कन्या महाविद्यालय में नेहरू युवा केंद्र और सहज योगियों के संयुक्त तत्वावधान में सकारात्मक जीवन शैली और ध्यान करके अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए 300 छात्राओं ने सहज योग किया। स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं की एकाग्रता और सकारात्मक जीवन शैली जीने के लिए बढ़वा से आई डॉक्टर आशा चौहान द्वारा करीब 300 छात्राओं को सहज योग के माध्यम से मेडिटेशन के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं उन्होंने बताया कि अपने जीवन में सुख और शांति के लिए प्रतिदिन 5 से 10 मिनट निकाल कर ध्यान करने से हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। मैं डॉक्टर आशा चौहान हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। मेरा एक छोटा सा हॉस्पिटल है, पूर्णिमा मैटरनिटी सेंटर, और आज मुझे यहाँ बड़वानी गर्ल्स कॉलेज में इनवाइट किया था प्रिंसिपल सर ने, तो इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। यहाँ करीब 300 लोगों ने आज ध्यान के बारे में सुना कि ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन को कैसे सुखी कर सकते हैं। सुकून और शांति जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, वो हम मेडिटेशन से पा सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। तो जो लोग भी सुन रहे हो और देख रहे हो, कृपया सभी लोग कोशिश करें कि अपने जीवन में ध्यान के लिए 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट कम से कम निकालें अपने जीवन में। वो 10 मिनट भी आप ध्यान करते तो आप इतने रिलैक्स हो जाएंगे, इतनी सुकून शांति आपको मिल जाएगी कि 4 घंटे का काम आप आधा घंटे में कर सकते हैं। तो मेरी सबको यही आग्रह है कि सभी लोग अपने जीवन में ध्यान की पद्धति को अपनाएं, और सहज योग ध्यान की पद्धति है वो बहुत सरल है, उसमें आपको कोई अलग से समय नहीं देना पड़ता। आप कार्य करते करते भी अपने चित्त को प्योर पवित्र स्थिर रख के, हृदय में रख के, सहस्रार पर रख के, आप पूरे समय ध्यान में लीन रहकर भी अपना कार्य बहुत अच्छा ईमानदारी से प्योरिटी से कर सकते हैं, क्योंकि सहज योग हमको अंदर से प्योर बनाता है, ईमानदार बनाता है और हमारे जीवन को बहुत ऊँचे स्तर पर ले जाता है। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।